शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुंडली मिलन। मेरी प्यारी रिचा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सगाई से पहले अंगूठी पहनाना अपशगुन होता है। मैं नहीं पहन सकती, लेकिन तू तो पहन सकती है ना? तेरी तो ना शादी हुई है और ना सगाई। जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। 90 दिन में यश की पहली पत्नी मर जाएगी। सब सॉरी। यश, जीजू संभाल के। यश, ये लंदन नहीं है, इंडिया है, वो भी मथुरा। यहाँ पर तीसरी आंख भी खोल कर चलानी पड़ती है। रोड पे अब गाड़ियों को चलना चाहिए ना, यहाँ गाड़ियां छोड़ के ये सब चल रहा है। अरे अरे उधर नहीं, उधर इधर। यश, क्या कर रहे हो आप? रॉन्ग टाइम चला रहे हो। जीजू, इंडिया इंडिया। यश, अब ये सांड को भी अभी आना था। हाँ तो रोड पर तो कोई भी घूम सकता है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है। वैसे भी आप 5 साल बाद मथुरा आए हो ना, आपको हेलो बोलने आया होगा। सांड, हे डूड, सांड, अरे हटना यार। यार ये सांड बहरा है क्या? बहरा नहीं है, ये मथुरा का सांड है। आप पूरी दोपहर भी ऐसे हॉर्न बजाते रहोगे ना, ये तब भी नहीं हिलने वाला। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। देखो यश, मेरी बहन कितनी टैलेंटेड है। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ उसका वीडियो बनाकर। बात केवल यही समाप्त नहीं हो जाती कि जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। बात यह भी है कि यश और ऋचा ने आपस में शादी करने का फैसला किया है, इसलिए जब भी ये दोनों मिलेंगे, ऋचा की जान को खतरा है, भयंकर खतरा। अगर ऋचा की जान बचानी है तो इन दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों मिले तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ताऊ जी, कुछ तो उपाय होगा जिससे खतरा टाला जा सके और दोनों बच्चों की शादी हो सके। हाँ ताऊ जी, जैसे वो किसी पेड़ पौधे या किसी चीज से शादी करा के भी तो दोष खत्म किया जा सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेड़ पौधे, नदी, नाले, जानवर या कोई पुतला, इनमें से किसी से भी शादी करके यश की कुंडली का दोष मिटाया नहीं जा सकता। यदि कुंडली का दोष मिटाना है तो यश की शादी किसी लड़की के साथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने कहा था कि यश की शादी नहीं हो सकती। कौन सी ऐसी लड़की होगी जो विवाह के 3 महीने बाद मरना पसंद करेगी? ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बच्ची को मौत के मुंह में धकेल देंगे? लेकिन ताऊ जी, तुम बताओ अलका, ये सब जानने के बाद तुम अपनी बेटी की शादी यश के साथ करना चाहोगी, ये जानते हुए कि उसकी मृत्यु 90 दिन में हो जाएगी? करना चाहोगी? बोलो, मुंह बंद क्यों हो गया? कोई निदान है तुम्हारे पास? नहीं। मजाल है, कभी आपने कोई सुख दिया? इससे अच्छा तो ये होता कि आपकी याददाश्त चली जाती और आप हमेशा के लिए ऋषिकेश में बस जाते। साल 6 महीने जब भी आते मनुष्यत फैला कर जाते। अरे मुझे तो यह नहीं समझ में आता आखिर आप आते क्यों हैं? अंजलि यहां देख।
रिचा। अंजलि तुम ठीक हो? हाँ हाँ। अंजलि रिचा तुम ठीक तो? अरे आप चिंता मत कीजिए जीजू, जब तक हम इसके साथ हैं ना, इसे कुछ भी नहीं होने देंगे। सच में मुझ पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ सकती है अंजलि। तुम्हें चोट लगी है ना अंजलि? हाँ। अरे नहीं नहीं जी, नहीं नहीं क्या, ये देखो कितनी बड़ी खरोच आई है। चलो तुम दोनों गाड़ी में बैठो, चलो 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 चलो, कम ऑन। यस जी, जो कितना ध्यान रखते हैं ना रिचा का। अभी यश कहाँ चला गया? वही तो, पता नहीं। ये लो, ये लगा लो। अरे जीजू इतनी सी चोट है, हिलाने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी आधी घरवाली हो, अब अगर तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो मेरी पूरी घरवाली नाराज हो जाएगी ना। इतनी बड़ी खरोच लगी है तो ये लगाना तो बनता है। परफेक्ट। थैंक यू। ताऊजी, ताऊजी आप कहाँ जा रहे? रुक जाइए ना बड़े तातू। बताइए तो सही हुआ क्या है? और देखिए ना, रिचा और अंजलि भी आए आपसे। बहुत ही बुरा समय आने वाला है। याद रहे, किसी भी सूरत में यश और रिचा को मिलने नहीं देना है। अगर ये दोनों मिले तो रिचा की जिंदगी को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। बड़े दादू आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो? बार बार बुरी बातें बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें जो कहना था वो हम राजवती, उमा और अलका को कह चुके हैं। जय श्री राधे। भाई साहब ऐसे नाराज होकर तो मत जाइए आप। ताऊजी ताऊजी प्लीज प्लीज, देखिए ना बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। प्लीज बड़े दादू रुक जाइए ना। ऐसे कैसे चले जाएंगे आप ताऊ जी? आप ऐसे चले जाएंगे तो गुलकंद कितना उदास हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। बड़े दादू रुको तो सही। मैं आप दोनों से ना कुछ कहना चाहती हूँ। इस मुसीबत का एक निदान है मेरे पास। निदान? हाँ। पता नहीं ऊपर कमरे में भाई साहब ने उन लोगों से क्या कहा होगा। अरे ऐसा क्या हो गया कि जो कुंडली मिलन तो दूर, यश और रिचा एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। ये आप क्या कह रही हैं अलका भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो भाई जी से जाकर पूछते। नहीं नहीं ऐसा कैसे?
से कर सकते हैं। ताई जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ ताई जी, मुझे लगता है कि अलका भाभी सही कह रही है। दादी, बड़े दादू ने आपसे ऐसा क्या कहा है कि मैं और रिचा एक दूसरे से मिल नहीं सकते? बड़ी दादी, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि हमारी बस अब शादी होने वाली है और शादी से पहले इतना मिलना नहीं चाहिए? आप लोग चुप क्यों हैं? उमा बताओ ना, ताऊ जी ने क्या कहा? वो उन्होंने कहा कि वो ताऊ जी ने यश की कुंडली देखकर कहा है कि यश और ऋचा की शादी नहीं हो सकती। यश और ऋचा की शादी नहीं हो सकती, ये क्या कह रही हो अलका? यश की कुंडली में ऐसा दोष है जिसकी वजह से यश की पहली शादी 90 दिन में टूट जाएगी। इसलिए यश और ऋचा की शादी नहीं हो सकती, मतलब कि ऋचा यश की पहली पत्नी नहीं बन सकती। What? क्या मतलब है आपका कि मैं यश की पहली पत्नी नहीं बन सकती? अरे बेटा, जैसे कुंडली दोष मिटाने के लिए लोग पेड़ से बकरी से शादी करते हैं, बस उसी तरह यश को भी किसी और लड़की से शादी करनी पड़ेगी और 90 दिन के बाद वो शादी तोड़कर यश तुमसे शादी कर सकता है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं ऋचा के अलावा किसी से शादी कर ही नहीं सकता। यश बेटा, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। क्या समझूं माँ? मैं ऋचा से शादी नहीं कर सकता, ऋचा और मैं मिल नहीं सकते, ये क्या हो रहा है? अरे यश, हमेशा के लिए थोड़े ना, बस तुम दोनों को एक दूसरे से तब तक दूर रहना है जब तक तुम्हारी पहली शादी नहीं हो जाती। पांच साल इंतजार किया है मैंने यश का, और अब आप ये कह रही है कि मैं यश से मिल नहीं सकती हूँ? पापा, आप चुप क्यों हैं? समझाइए ना माँ को, मैं यश के बिना नहीं रह सकती। पापा प्लीज। पापा ऋचा, घर चल के बात करते हैं। क्या बात करनी है अंकल? ऋचा एकदम ठीक कह रही है, हम एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकते। साल से हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग ये कुंडली दोष, दूसरी लड़की से शादी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और आज के जमाने में कौन इन सब बातों पर विश्वास करता है? एक सेकंड यश, ताऊ जी ने आज तक जो भी बात कही है हमेशा सच साबित हुई, इसलिए हमें उनकी इस बात पर भी भरोसा करना ही होगा। पापा चल ऋचा। यश, हो गया तमाशा शुरू। अब आगे क्या करना है? अरे ताई जी, करना क्या है, बस एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जो 90 दिन के लिए यश से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। पर ऐसी लड़की हमें मिलेगी कहाँ?
अरे दीदी वो गाना सुना है ना आपने, पैसा फेंको तमाशा देखो है? अरे दीदी अंटी ढीली करो ना, तो जमाने में क्या नहीं मिलता। करुणेश भैया आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस एक ऐसी लड़की पकड़ कर ले आइए जो 90 दिन के लिए यश के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मिल जाएगी, पर काम रिस्की है जीजी, खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। कितना खर्चा? कम से कम 2 लाख तो लग जाएगा जीजी। मिल जाएगा, पैसा हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर थोड़ी ना। बिहारी जी झूठ ना बुलवाए, मुझे तो लगता है आपके दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, तभी तो गाल पर पड़ा हुआ थप्पड़ भूल गया। अरे कहां से मिलेगी ऐसी लड़की जो 90 दिन के लिए दुल्हन बनने को तैयार हो? हाँ यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। अरे भूल गई, पल्लू की चचेरी बहन पूनम जब यहाँ आई थी देखा नहीं था दोनों के बीच में कैसा 36 का आंकड़ा था? अब पूनम पल्लू की मालकिन बनने का मौका अपने हाथ से कभी नहीं जाने देगी। अरे वो तो 20-25 हजार में तैयार हो जाएगी देखना। बाकी का पैसा हमारा। नी, पापा, अब क्या साजिश कर रहे हो आप दोनों? बस इस बार कोई गड़बड़ मत करना, मत करना, मत करना। चल भाग बदमाश। क्या खाकर पैदा किया था इस लड़के को? ये हमारी बच्चा है ना? अरे पापा मैंने वहां पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इस कुंडली मिलन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। यश की शादी सिर्फ मुझसे होगी और हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, बस। क्या हुआ रिचा? आप ही समझाए ना चाचू पापा को, मैं यश से दूर नहीं रह सकती और बड़े दादू ने जो भी कहा है वो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। बेटा तू पहले शांत हो जा और मुझे बता दो सही ये बात क्या हुई है, तभी तो मैं किसी को समझा पाऊंगा। मुझे समझाने का कोई मतलब नहीं, मैं ऐसी किसी बात पे विश्वास कर ही नहीं सकता जो मुझे और रिचा को अलग कर दे। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि 21वीं सदी में आके आप लोग ऐसी अंधविश्वास जैसी बातों पे यकीन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम एक बार नहीं 50 बार देख चुके हैं उनकी कई हर बात सच साबित होती है। यश बेटा, बेटा तुझे याद है जब तू कॉलेज में दाखिला लेने वाला था तो तेरे बड़े दादू ने कहा था कि तू यहां नहीं लंदन जाकर पढ़ाएगा। फिर बेटा तूने जहां के हर कॉलेज में बहुत कोशिश की दाखिला लेने की, तुझे दाखिला नहीं मिला। आखिरकार तूने लंदन का फॉर्म भरा और तुझे वहां का दाखिला मिल गया। लेकिन दादी बेटा, और जब तेरे पापा का कारोबार ठप पड़ने लगा था तो तेरे बड़े दादू ने कहा था कि मूर्तियों को कारोबार कर ले। फिर उसके बाद लगातार तरक्की होती चली गई। और 10 साल पहले वाली बात हम कैसे भूल सकते हैं जब तेरे छोटे दादू के लिए उन्होंने कहा था कि इस साल की सर्दी उन पर भारी है और उसी साल तेरे छोटे दादू हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने बड़े दादू की बातों का अनादर मत कर। उनकी बातों का अनादर नहीं करते, इससे क्या मतलब है आपका? नहीं चाचू, मैं नहीं मान सकती ये सब बातें। हिमांशु तू ही समझाना इसे। बेटा ऋचा तू कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत ले। और सब लोग कह रहे हैं तो तू नहीं सुननी मुझे सब लोगों की बात। और अब तू भी मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे समझी कि मुझे यश नहीं मिलना चाहिए। मैं मिलूंगी और जरूर मिलूंगी, मुझे यश मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता तो ना सही बेटा, कम से कम हमारे मन की तसल्ली के लिए कुछ दिनों के लिए रिचा से मत मिल। बहुत जल्द हम सब मिलकर ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। यश बेटा
हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता तू? आप जानती हैं दादी, मैं आपकी बात नहीं डाल सकता। खुश रहो। मम्मी क्या कर रही है? चलो मम्मी, छोड़ो मुझे यश के पास। मम्मी मेरे हाथ छोड़ो। मैंने कहा अपने कमरे में चलो। मम्मी मुझे यश के पास जाना। मम्मी मेरा हाथ छोड़ो, नहीं मिलेगी। चलो मम्मी क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही? मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे यश के पास जाना है। मम्मी रिचा की भलाई के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। अगर तूने मुझसे बिना पूछे दरवाजा खोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज ऐसा मत करो। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी प्लीज। क्या कहा? 90 दिन के लिए छूटी शादी करनी पड़ेगी, और वो भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ, और उसके लिए आप मुझे 50,000 रुपए देंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? 100% सच कह रही है तू, और इसके साथ बोनस भी तो है, नहीं समझी? 90 दिन के लिए तू यानी पूनम बनेगी महारानी, और तेरी चचेरी बहन पल्लो उसकी नौकरानी। आई बात समझ में? से बात तो सही है, 90 दिन तक पल्लू की मालकिन बनने का मौका तो मैं यूं हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो क्या है ना, 90 दिन तक असली पत्नी बनकर उस घर में रहना पड़ेगा, तो उसके लिए 50,000 थोड़े कम है। अच्छा चल, 1,00,000, 1,00,000 दिए तुझे, अब तो खुश हैं? ये ले, ये हैं 25,000 एडवांस। 25,000 मिलेंगे शादी के बाद, और बाकी के 50,000 90 दिनों के बाद। मंजूर? मंजूर। हाँ जी जी, हो गया काम। लड़की बहुत चालाक थी, 2,00,000 से कम में मान ही नहीं रही थी। 25,000 एडवांस देके डील पक्की कर दिया हूं। हाँ मिलता हूं। और इसमें मेरा प्रॉफिट होगा 1,00,000। डेढ़ भी तो हो सकता है, अगर मैं पूनम को 90 दिनों के बाद 50,000 रुपए ना दू तो। लेकिन गुलकंद की अम्मा को मैं बताऊंगा प्रॉफिट सिर्फ 50,000। हाँ ये भी सही रही। हे गोपाल, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? आप तो जानते हो ना, यश जी और ऋचा एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। पूरे 5 साल बाद मथुरा आए हैं यश जी, वो दोनों एक दूसरे से मिले बिना कैसे रह पाएंगे? आज तक जब भी कोई मुसीबत आई है, आपने हमेशा उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है, फिर आज आप ऐसे चुप क्यों बैठे हो गोपाल? वाह गोपाल, कमाल कर दिया, इतनी जल्दी हमारी बात सुन ली। थैंक यू।
प्रणाम काका। हम अंजलि बोल रहे हैं। वो आपसे कुछ पूछना था काका। रिचा ने खाना खाया? मैं खाना लेके जाता हूँ। भाई साहब आप बैठिए, अंजलि खाना दे आएगी। हाँ हिमांशु, अंजलि उसे समझा भी लेती है। बेटा तू खाना लेके जा। जा, खाना खिला के जल्दी से नीचे आ जाना। और सुन, दरवाजा बंद करना मत भूलना। खाले जीजू, हम बोल रहे हैं अंजलि, हम ऋचा को लेके केशी घाट पहुंच रहे हैं। आप जल्दी से केशी घाट पहुंच जाइए। ऋचा ऋचा ऋचा, मैंने उमा काकी को देखा। रुक, अभी दिखाती हूँ तुझे तेरी औकात। मेरी बेटी की जान लेना चाहती है या नाद लड़की, झूठ बोलकर रिता को यश से मिलवाने के लिए ले गई। मर क्यों नहीं जाती? ओ जी, जा जाके मर। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।